हाँ, तो मैंने कहा बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, क्या हो गया ये? बोल भैया 1 घंटा पूरा हो गया। अच्छा अब इंस्टाग्राम कहता है कि 1 घंटे के बाद आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं था फेवरेट फूड, फूड के बारे में पूछा। यस, ये एक बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, मैं आपको इसका पूरा एक किस्सा सुनाता हूँ अभी। अच्छा ये 1 मिनट याद रखिएगा, एक अभिषेक जी का क्वेश्चन है, आपके सितार और उसके मेकर के बारे में बताइएगा जरूर, जरूर ये बताऊंगा उन्होंने उसके बीच बारे में में। भूल गया। हाँ जी तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मैं मेक्सिको एक टूर पर था, तो मेक्सिको, अब अगर कुछ लोग आप जानते हो तो वहां पे ना इंडियंस को भी नहीं जानते हैं लोग, इंडिया को भी नहीं जानते हैं, अच्छा इतना ओके टाइम डिफरेंस है। और अगर किसी एक आदमी को वो लोग जानते थे तो वो थे रविशंकर जी। तो ये हमारे लिए बहुत क्या बड़ी अचीवमेंट है एक, कि मेरे सितार को देख के लोग बात वहां पे जानते थे कि रविशंकर वो। मैंने कहा जी, है। ये मुझे तो ऋषभ नहीं बताया, ऋषभ पंडित रविशंकर जी का स्टूडेंट है, अच्छा आपको ऋषभ, ऋषभ ऋषभ लिखिराम। लिखिराम जी का। यस यस यस। तो ही टोल्ड मी कि अगर वो एयरपोर्ट से कभी सितार लेके निकलता था तो सितार देख के लोगों का कहना ये तो है रविशंकर, ऐसे बोलते थे लोग। रविशंकर जी ने जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए काम किया है उसकी कोई बराबरी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, सही बात है, जो उन्होंने कर दिया वो मुश्किल है और कोई आदमी अचीव कर सके। बिल्कुल। तो आप इससे बड़ी बात क्या होगी कि लोग इंडिया को नहीं जानते हैं और पंडित रविशंकर जी को जानते हैं। क्या बात है। मैंने पूछा कि शाहरुख खान को आप जानते हैं, वो तो ग्लोबल आइकन है, उसको भी नहीं जानते हैं लोग, रविशंकर जी को जानते हैं लोग, ये क्या बहुत बात बड़ी बात है। है, बिल्कुल तो अभी आप बहुत बड़ी सोचिए, बात है। तो इंडियन फूड वहां पे उतना आसानी से मिल नहीं रहा था, आसानी से क्या मिल ही नहीं रहा था। तो उनका जो खाना होता है आपको पता ही होगा, और मैं काफी फूडी हूँ, मुझे खाना एकदम अपने मिजाज का चाहिए, नहीं तो मिजाज नहीं बनता। तो हुआ क्या कि 10-12 दिन हो चुके थे ऑलरेडी और मैं तलाश में कि कहीं किसी तरीके से पेट भर जाए। तो एक 10-12 दिन के बाद जाके मुझे इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, अच्छा तो मैं वहां पर एकदम पागलों की तरह गया, मैंने खाना ऑर्डर किया, और आप यकीन मानिए जब खाना मेरे सामने सर्व हुआ तो मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए, कि मैंने कहा ये तुम थे कहाँ इतने दिन से। मैंने पेट भर के खाना खाया, अब यकीन मानिए मैंने कम से कम अच्छा खासा मिकदार में खाना खाया। क्या बात है। तो उस दिन पेट भरा आपका, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद पेट भरा जाके, तो उसके बाद तो डेली वहीं गए होंगे। उसके बाद तो, पर वो अनफॉर्चुनेटली जिस सिटी में था वो एक ही सिटी में था, तो मैं सिर्फ 3 मील ही खा पाया दिन के, फिर उसके बाद चेंज सिटी, चेंज वहां से जाना फूड। पड़ा। फिर वहां पे दोबारा ढूंढो, फिर दोबारा 10 दिन लगेंगे। तो बुरा हाल था वहां पे एक इंडियंस तरीके को नहीं जानते, तो इंडियन स्टाइल का फूड या जो इंडियंस को पसंद आ जाए कुछ कह नहीं से। सकते कि मिले ना मिले। क्या मतलब ही नहीं बनता। सेम मेरे साथ हुआ थाईलैंड में, दीपक प्रताप जी, भाई मैं आपका दर्द कुछ समझ सकता हूँ, सुनने। यू हैव माई सिंपथीज। सर बिदारा जैसे सितार, क्या क्या बताया इन्होंने, बिदारा जैसे सितार में होता है वैसे ही वोकल में भी कुछ होता है क्या? बिलदारा, बिदारा आपने बताया ना, वो बिदार अंग से बजाते हैं रईस खान साहब, बिदार बिडार, बिडार। अंग की ताने जो है बिड़ा अंग की, उसका वोकल्स में अगर देखे तो कुछ होता है उससे रिलेटेड सिमिलर? वोकल में होता है, पर वो लोग गाते हैं जो क्या कहते हैं, गुलाम अली खान साहब गजल सिंगर जो गाते हैं वो सब बिडारंग है। अच्छा वेरी गुड। उसी को एक्चुअली कहते हैं बिडारंग। और तो एक आपके सितार सितार लेकर क्वेश्चन था जी, जी, बताइए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके सितार कौन बनाते हैं, उनके मेकर कौन हैं, और उसमें क्या क्या, आप अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं तो वो किस तरह की चीजें हैं? ऋषभ का आपने भी नाम लिया, ऋषभ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, और उसके वालिद साहब सितार मेकर हैं, अगर आप जानते हो संजय लिखीराम, संजय जी जी तो उनका ही सितार मैं बजाता हूँ, और करीबन इसको 8-10-12 साल तो हो ही गए बजाते हुए मुझे।
और ही इज राइट नाउ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉबली द बेस्ट सितार मेकर इन इंडिया. वी हैव अर्लियर वी हैड हिरन रॉय जी हु यूज्ड टू मेक सितार फॉर पंडित रविशंकर जी एंड ऑल्सो फॉर उस्ताद विलायत खान साहब एंड ऑल ऑफ दीज पीपल. एंड नाउ वी हैव संजय अंकल फॉर्चुनेटली. बट अभी आजकल वो यूएस मूव हो चुके हैं तो सितार की देखभाल कराना थोड़ा मुश्किल नहीं है. वो आते रहते हैं बीच बीच में और अभी लॉकडाउन के चक्कर में वहां रुक गए. जब वो आते हैं तो फिर मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ अक्सर ऐसा होता. हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है. और सितार से अगर मैं आपको कहूँ तो स्पेसिफिकली मुझे जो टोन चाहिए रहती है सितार से वो आजकल मिल पा नहीं रही है. उसकी वजह पता नहीं मुझे क्या है पर मुझे ना टोन की तलाश है जो विलायत खान साहब के जो सितार में से टोन आया करती थी ना, मोर ऑफ रेजोनेंस एंड थिक टोन. वो मुझे उसकी मुझे काफी दिन से तलाश है पर वो कहीं मिल नहीं पा रही है. तो देखो अगर कहीं ना मिले तो कुछ खुद एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो. एक नया सितार बनवा के और फिर उसमें कोशिश करता हूँ. ऐसा हो सकता है कि संगीतकार जो चाहे उसमें खोज रहा है, वो अपने मन में तो चल रहा है, अब सामने वाले को कैसे समझाए कि मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ, तो वो एक्सपेरिमेंट करके आ सकता है मुझे लगता है. हाँ बाकी संजय जी वैसे ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स क्योंकि उनके पिताजी भी साज बजाते थे और ऋषभ भी बजाता है तो उनका बजाने से भी वो एक ताल्लुक तो है काफी है. तो वो समझ जाते हैं काफी हद तक बातें जो आप बताना उनको चाहें. ईश्वर करे आपका सितार जो आप चाहते हैं जल्दी बन जाए. एक बार मेरी उनके साथ बात चल रही थी. अच्छा. तो संजय जी बता रहे कि रईस खान साहब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे तो रईस खान साहब 20-25 सालों बाद इंडिया आए थे किसी कॉन्सर्ट में उनके शिफ्ट होने के बाद. तो कहते हैं उन्होंने सितार रिकी राम यहाँ पर रिकी राम स्टोर में आके संजय जी से सेट करवाया होगा पूरा उसको ट्यूनिंग मेंटेनेंस वगैरह. तो कॉन्सर्ट में बजाते वक्त उन्होंने बताया कि जो टोन आज मुझे मिली है ना ये खोज रहा था पिछले 25 सालों से, ये आज मिली है मुझे. पॉसिबल है. सौमित्र भाई कह रहे हैं पंडित बुद्धदेव मुखर्जी हैज एक्चुअली डन दैट. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. पर क्या अभी क्या कोशिश क्या? जो मैं टोन जिसकी तलाश में हूं ना वो बुद्धदेव अंकल बजाते हैं. अच्छा. मैं कोशिश करता हूं कि वो मुझे अपने एक सितार देते हैं. सौमित्र भाई अगर आप मुझे मदद करें उनसे सितार लेने में तो. सौमित्र भाई संगीतकार है डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स और वो आपकी हेल्प करेंगे मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल करेंगे सौमित्र भाई. सौमित्र भाई अगर आप इनके साथ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. हाँ ही इज अ गुड प्लेयर वेरी नाइस. मैंने सुना है उनका सितार. इंडियन एक्सप्रेस मुंबई के कॉन्सर्ट में आए थे. थैंक यू भाई. हो सकता है. बिल्कुल. आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट. मैं तो आप थोड़ा सा कुछ हो जाए. बिल्कुल बताइए क्या सुना. एक एक भाई हमारे बहुत देर से जयजयवंती सुना चाह रहे हैं तो आई थिंक जयजयवंती फॉर जयजयवंती तो he has made his own sitar and all after almost 25 years of research. I did hear that before. Okay. I'll come to you for help. क्या बात है? Thank you so much, Soumitra bhai. Thank you so much. Very nice. So nice of you. नंदिनी बोरकर जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाया पर आपके लिए जरूर गाऊंगा दोबारा. नंदिनी बोरकर जी मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर फैन. आप जो भी मैं कहूँ वो कम होगा. जितना सपोर्ट ये मुझे करती है शायद ही कोई दूसरा आदमी करता हो. क्या बात. और मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे आप मेहता बहुत अच्छा स्टार बजाते हैं उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए और यू विल लिसन ग्रेट कंटेंट. और सबसे ज्यादा आप जो मेहताब जब छुपते थे और क्या बताते हैं अब भी बताते हैं बहुत बढ़िया.
कहाँ ही सुना है हमने स्पेशली ये। मैं भी अपनी पुरानी नाद भेद की वीडियो देख रहा था कल ही, तो उसमें जजमेंट पर बैठे हुए पंडित हरि जी, हरिप्रसाद। हेलो सुभान, थैंक्स सुभान भाई, क्या हाल। तो हरि जी उसमें बैठे हैं, परवीन सुल्ताना जी उसमें बैठी हैं, और अच्छा गिरजा देवी जी बैठी हैं, क्या बात। और काफी मतलब लेजेंड लेजेंड बड़े बड़े दिग्गज सब लोग वहां पे बैठे हैं। तो मैं कल उसको देख रहा था अपने वीडियो, तो मैं सोच रहा था यार मेरी हिम्मत कैसे हुई कि इन लोगों के सामने बजाने की। मुझे अपनी वीडियो देख के कल हैरानी हुई कि यार मेहताब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने सितार हाथ में लेने की, बजाना तो बहुत अच्छा हुआ बचपन था। अच्छा हुआ बचपन था, और बचपन में देखो ये हमारा मानसिक तो अगर हमें पता है कि हमें गाना ऐसे बजाना है, या मतलब अगर जो भी हम बजाते हैं हमें ऐसे बजाना है, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, हम बजाएंगे। सही बात। अगर सोचो एक इंसान का बड़े होने के बाद भी एक दुनिया की पूरी केयर, मुझे लगता है कि सोचना छोड़ दे हम सबका ही, क्या ध्यान लगे संगीत में। ये मेरे साथ एक बहुत अच्छी सॉफ्ट कॉर्नर आप कह सकते रहा। अबू जी ने ना मुझे छोटी सी उम्र में सिखा दिया, इससे फायदा ये हुआ कि मेरा जो स्टेज फोबिया था वो मुझे कभी नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर मैं अब जाके सीखना स्टार्ट करता तो एक कॉन्शियस माइंड जो रहता है ना इंसान का कि क्या होगा कैसा बजेगा, वो कभी हुआ ही नहीं। ये छोटी उम्र में सीखने का ये फायदा होता। फायदा बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो हमारे लिए कि आप अभी भी मेहनत कर सकते हैं, और आपके लिए अभी भी आके ट्रैक अवेलेबल है, सब कुछ है, आप बजाएं बिल्कुल बेहतर और बेधड़क होकर बजाएं। और ऐसी बात नहीं है कि जो लोग सिर्फ बचपन में सीखते हैं वही अच्छा बजा पाते हैं। मैं उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, जबकि मैं तबला नहीं बजाता हूं। वो ही वाज मतलब मैं उनके करेक्टर को बहुत बहुत एडमायर करता हूं। उसकी वजह यह है कि उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब की एज थी अराउंड 22 या 24 व्हेन ही स्टार्टेड टू लर्न एक्चुअली। और फिर जब उन्होंने बजाया तो ऐसा बजाया कि तिरकवा खान साहब ने खुद उनकी तारीफ करी। क्या बात है। तो आप सोचिए कि जब आप सोच लेना तो कुछ कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। इवन मैंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के लिए सुना है कि उन्होंने क्या सुना है, बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाना लेट शुरू किया है ना। मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं जब बहुत पहले मैंने और बताना चाहूंगा, कल बड़े गुलाम अली खान साहब की डेथ एनिवर्सरी है। अरे और इसके लिए हम रियाज रूम पर अभी मैं स्टोरी में डाल दूंगा, आप लोग जो भी बड़े गुलाम अली खान साहब की कॉम्पोजिशंस वगैरह बना के अपने एक ट्रिब्यूट के तौर पर पोस्ट करें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, और टैग करिए रियाज रूम को। हम सिलेक्टेड वीडियोस को फीचर करेंगे, मोस्ट ऑफ वीडियोस को पॉसिबली वी विल ट्राई टू गिव स्टोरी फीचर्स, एंड जो रीपोस्ट हमारे हैंडल से हो सकते हैं डेफिनेटली विल डू दैट। तो आप वीडियोस बनाइए और पोस्ट करिए प्लीज, आप सब लोग उनको एक ट्रिब्यूट दें, वीडियोस बनाइए, और जैसा भाई ने कहा वो रिपोस्ट करेंगे तो जरूर कोशिश करिए।
एक बंदिश मैं आपको सुनाता हूँ इसमें जी। थोड़ा गा के मैं सुना देता हूँ बंदिश आपको जी। मोरे मंदिर अब वो नहीं आए, मोरे मंदिर अब वो नहीं आए, कैसी भूल गई मोरे सजनी, कैसी भूल भई मोरी सजनी, कैसी भूल भई मोरी सजनी, मोरे मंदिर अब हो नहीं आए, मोरे मंदिर अब हो Thank you.
तो ये था जय जय। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। कुछ क्वेश्चंस अगर nice, your fusion was amazing at Indian Express. Shukriya, I'm glad you liked it. MashaAllah bhai, thanks Subhan, thanks so much. गजल सुनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई, कौन सी? मुझे लगता है आपने एक बार पोस्ट की थी अपनी तस्वीर। मैंने काफी गजलें बजा के अपने YouTube चैनल पे गाई। कौन कौन सी है आपने गजल इंस्टा पे? गजल तो मैंने उनकी क्या नाम सज्जाद अली साहब को मुझे बहुत पसंद है, वो तो उनका उनके गाने काफी गाता हूँ। ओके तो फिर इसी के साथ मुझे लगता है एंडिंग करें, अगर आपके गाने के साथ। जरूर, मैं सोच रहा था कि ये करुणा याद मगर सुना देता। हाँ प्लीज प्लीज, कुछ भी। हर डॉट पायो भाई ने बोला है, थैंक्स सो मच। नवीन भाई, सिंसियर अपोलॉजीज, आई जस्ट प्लेड द सेम ट्रैक बिफोर, आई होप यू वुडंट माइंड। सलोना साज सजन, चलो ना सासा जन बजा देता हूँ, उसमें थोड़ा सितार मिलाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। Rashnikant, thanks a lot. Thank you so much. ये गजल खासकर गुलाम अली खान साहब की सितार में बजानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ मींड और कुछ कुछ मुर्कियां ऐसी होती है ना कि जो सितार के फ्रेट्स के हिसाब से ठीक नहीं होती, तो हमें अकॉर्डिंगली हाथ शिफ्ट करके बजाना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल पड़ता है। करुणा यार, आपने अच्छा नहीं बजाया, शुक्रिया भाई। करुणा यार याद मगर किसी ने फरमाइश की है, मैं सोच रहा हूँ बजा देता हूँ। क्या बात है, यू प्ले लाइक वन इज सिंगिंग स्टार, गा रही है जनाब, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है जी। ये देखिए, ये गजल और ज्यादा मुश्किल है।
अभी क्या है कि जो धा है इसमें दोनों लग रही हैं, पर सितार में सिर्फ एक टाइम में एक ही बज सकती है, और अगर दूसरी धा बजानी हो तो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ता है ऊपर, तो इसलिए मुश्किल पड़ता है। जैसे बेहतरीन, ये बहुत बढ़िया। गुलाम अली खासब ने हम लोगों के लिए मुश्किल कर दिया है। मैं आपको सच बताऊं कि सितार में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन इसको बजाने में और ज्यादा मजा आता होगा आपको। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसी चीजें करने में ज्यादा मजा आता है जो चैलेंजिंग हो। हाँ, संगीतकारों का है ये, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कर देते हैं और उसके उसी के तो पीछे है, भले वो रस की बात करें या मतलब गायकी में बहुत सारी चीजें हैं। विल यू प्ले गुलों में रंग, गुलों में रंग बहुत बढ़िया। लकी, लकी भाई वर्मा लकी ऑफिशियल। चलिए गुलों में रंग भी सुना देता हूँ। ईश्वर आपको और आपकी फन सारी को Thank you.
शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपको पता है मैं जब भी कोई गाना या गजल बजाने की कोशिश करता हूँ ना, तो अच्छा सवाल पूछा उन्होंने कि ऐसी गजलें बजाते में क्या इंसान दिमाग में रखे. तो वो ये है कि इंसान पहले उसको ध्यान से सुने. ट्यून इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या करते हैं कि जो ट्यून होती है उसको फॉलो करते हैं और उसको एक्सपर्टीज बजा देते हैं. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो लिरिक्स है ना, जिस तरीके से सिंगर लिरिक्स को डिफाइन कर रहा है, उस तरीके से लिरिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करे. जब भी लोग कॉम्प्लीमेंट देते ना कि आपका सितार ऐसा लग रहा है कि गा रहा है, तो वो गाएगा जब आप उसके बोलों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. ये समझो कि आप अंदर गा रहे हो. हाँ एग्जैक्टली, अंदर गा. एक इंटरव्यू था सोनू निगम साहब का, उसमें ही टोल्ड अबाउट रफी साहब. उन्होंने कहा कि रफी साहब का गाते हुए कह जाना और कहते हुए गा जाना, वो दोनों चीजें ऐसे करते थे. मतलब गाते हुए ऐसी चीजें दिखाते थे जैसे कहा है, और मतलब अगर पर्टिकुलर कोई वो है ना वर्ड की बात कर रहे हैं तो उस वर्ड को गाने में दिखाते हैं कि मैं सही में ऐसा कह रहा हूँ. वो गाने में अंदाज दिखता है. वॉइस मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, अप्स डाउन पिच या हम उसको कह सकते हैं वो फील डाल देना मतलब वर्ड में, वो जब ही आती है जब आप उसको गहराई से सोचते हैं. मेरी वाली बहुत अच्छी अंदाज है. गजल्स की फरमाइश जो है वो कभी खत्म नहीं होती है. हाँ वो कभी खत्म नहीं होती है. अपनी तस्वीर को बोल रहे हैं कोई बजाने के. गहलोत गिरी जा भाई, आपको पता है कितनी मुश्किल पड़ती है सितार में गजलें बजानी जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और वो भी लाइव रिकॉर्ड में करता हूँ तो मैं टेक्स ले सकता हूँ ना उसमें, मेरे पास ऑप्शंस होता है. अभी लाइव में तो वैसे जरूरत पड़ती है भाई आपको टेक्स की. मैक्सिमम दो. ओके नाइस. मुझे लगता है गुलाम अली खान साहब ने छाट के कुछ ऐसे
सुर लिए हैं जो सितार में मुश्किल पड़े. अच्छा है, मजा आता है उसको बजाने में. बिल्कुल मजा आता है, हमें सुनने में बड़ा मजा आता है. जब तक आप गलती ना करें ना, तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि इफ यू आर प्रोग्रेसिंग और नॉट. बिल्कुल ठीक बात है, गलती बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में. मुझे लगता है आपकी बात सुनकर जो लोग अभी गलतियां कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस बात को समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ में. फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस. थैंक यू सो मच, हाथ मीठा है. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. सिमरन कैसी हैं आप? थोड़ा सा वृंदावनी सारंग. अच्छा, वृंदावनी सारंग का ये सॉरी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं जरूर सुनाता. देखो वो तो खैर रुकेगी नहीं रिक्वेस्ट में, मैं तो आपको कोई बात नहीं. हाउ डू गेट द स्वर विद लाइक अ फॉर अ सिंगर? क्या? हाउ डू यू गेट द स्वर विद तार ऑफ अ राग लाइक फॉर अ सिंगर? तालीम, वो उसकी नहीं तो आपको तालीम लेनी पड़ती है. मैंने अपने वाले साहब से ली और आजकल मैं पंडित राजन साजन मिश्रा जी से सीखता हूं. तो आपको सितार में गायकी बजानी है तो आपको गायकी की तालीम जरूर लेनी पड़ती है. बिल्कुल, बहुत जरूरी है. और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे वालिद साहब मुझे इतने अच्छे मिले जिन्होंने मुझे हर चीज की तालीम दी. और अभी पंडित राजन साजन मिश्रा जी ने मुझे एक्सेप्ट किया एज ए स्टूडेंट. क्या बात है, नाइस. तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन मेहताब से बचा हो तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, उसके बाद we will end this session. और बहुत अच्छा रहा मेहताब आपके साथ और बहुत अच्छा टाइम. Thanks a lot, भाई. मुझे लगता है कि दूसरा सेशन लगा. हाँ, it's very nice. Our audience enjoyed a lot. और आपका सितार सुनने को मिल गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए, लाइव वो भी. बस अभी यही कोशिश है कि लोगों की जिंदगी में टफ टाइम्स में थोड़ा पॉजिटिव्स डाल सके. जितना हमसे हो सके हम वो करें. और हमारी ये इच्छा है और एक दुआ है आपके लिए कि आप बहुत ऊंचे ऊंचाइयों को छुएं और आपका नाम हो इन आर्टिस्ट जैसा जैसे हम दिग्गज लोगों का सुनते हैं. आप विलायत खान साहब की बात करें, रईस खान साहब की बात करते हैं, पंडित रविशंकर जी की बात करते हैं. मैं चाहता हूँ कि ऐसे हम दुआ करते हैं कि ऐसे दिग्गजों तक आपका नाम जाए, ऐसे दिग्गजों में आपका नाम हो और आप बहुत रियाज करें, बहुत तरक्की करें लाइफ में. थैंक्स अ लॉट भाई. मेहता भाई आप किस स्टेट से हो, ये क्वेश्चन का आंसर था. आजकल मैं आधा दिल्ली में हूँ आधा बॉम्बे में हूँ. मतलब 70% बॉम्बे में रहता हूँ और फिर जब कुछ काम वगैरह नहीं होता है तो वापस दिल्ली आ जाता हूँ. आजकल दिल्ली में हो? अभी दिल्ली, मतलब वाले साहब ने जाने नहीं दिया जब ये शुरुआत हुआ था ना, तो महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस थे. तो अब जी ने कहा नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं जाने की, यहीं बैठो. थैंक सो मच बोरकर जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ठीक है मेहताब, आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यहाँ पर बातें कर और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट. ठीक है, थैंक यू सो मच. लॉट फॉर हैविंग मी. खुदा हाफिज. थैंक यू. टेक केयर एवरीवन. स्टे होम, स्टे सेफ. यस, प्रैक्टिस. थैंक यू. प्रैक्टिस हार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. आप उज्जैन आए तो वो प्रोग्राम ही सुन रहा मैं आज दिन में. अच्छा, आपके फॉलोवर हैं कोई, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे उज्जैन का दिन में? अच्छा, शक्तिमान भाई. अच्छा मैं भी सुनना चाहूंगा. अच्छा, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक मिली नहीं है. क्या शक्तिमान देखा है आपने? शक्तिमान हाँ, बचपन में देखा. ओके. आजकल रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है, मैंने कहा. अच्छा शक्तिमान भाई, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो मुझे प्लीज भेज दीजिए. मेरे पास है नहीं, वो मैंने सुना नहीं अभी तक. वो प्लीज आप मेहताब को पर्सनल डीएम करिए और उनको वो रिकॉर्डिंग का लिंक भेजें, और रिकॉर्डिंग हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग भेज दीजिए. और ठीक है मेहताब, थैंक यू सो मच. थैंक यू. खुदा हाफिज़. थैंक्स फॉर कमिंग टू विद रियाज रूम. इट इज अ प्लेजर फॉर अस. इट्स एन ऑनर. इट्स एन ऑनर फॉर मी टू, फॉर बोथ ऑफ अस. थैंक यू सो मच. थैंक्स सो मच. खुदा हाफिज़. ओके, खुदा हाफिज़.